गुड इवनिंग दोस्तों, कुछ शुभ संकेत फिर से एक बार मिले हैं। कुछ बच्चे जो है कौशल सिंह के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी से मुलाकात की है और दिनेश शर्मा जी ने कुछ पॉजिटिव संकेत दिए हैं। वो बच्चों की मांगों को जायज़ मान रहे हैं। उनका कहना था कि लोक सेवा आयोग को इनकी मांगों को स्वीकार करना चाहिए था। कोई गलत मांग नहीं है बच्चों की, और इस बात को, इस मांग को वो मुख्यमंत्री के पास ज़रूर इस पे वार्ता करेंगे। तो ये कुछ एक अच्छा संकेत जाता है और हम लोग इसके लिए कौशल जी को धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने यहाँ तक जो है लड़ाई जो लड़ी पहले, लोक सेवा आयोग किस तरह से जीत पे अड़ा था लेकिन वो हार नहीं माने और अंततः उप मुख्यमंत्री के थ्रू मुख्यमंत्री के पास हम लोग पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, चूँकि लोक सेवा आयोग गलत कर रहा था और बच्चों की मांग बिल्कुल जायज़ थी, इतनी गर्मी में इतने कम समय में इस सिलेबस को कंप्लीट नहीं किया जा सकता है, ये सबको समझना चाहिए। और इसकी मांग जो है वो पुरजोर होनी चाहिए थी स्टूडेंट्स में, परीक्षार्थियों में, विद्यार्थियों में। यूनिटी न होने की वजह से लोक सेवा आयोग जो है वो बिल्कुल अपनी मनमानी पे अड़ा हुआ था, जैसे 2017 में भी यही किया था उसने। जुलाई में परीक्षा लेने की बात पहले स्वीकार किया था सचिव साहब ने, फिर बाद में इसको अचानक एलटी ग्रेड की परीक्षा को हटाकर इस परीक्षा को, पीसीएस की परीक्षा को लोक सेवा आयोग आनन फानन में आयोजित करवाया और इसकी वजह से ही एक हिंदी का पेपर जो है वो पहली पारी वाली पेपर जो है वो दूसरी पाली वाली पेपर पहली पारी में मिल गई। तो जब आप किसी भी चीज़ को बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग के करेंगे तो कुछ ना कुछ त्रुटियां मिल जाती हैं दोस्तों। इस बार भी उसी तरह से लोक सेवा आयोग अपने मनमानी पे अड़ा हुआ था। 2017 का परीक्षा दिए बगैर, उसका रिज़ल्ट निकाले बगैर 2018 का परीक्षा, मेंस का परीक्षा लेना किसी भी रूप में जायज़ नहीं है दोस्तों। इसमें बार बार एक ही बच्चों के सिलेक्शन जो है वो चयनित हो जाएंगे। वही बच्चा 17 में भी चयनित होगा और वही बच्चा संभवतः 18 में भी चयनित हो सकता है। पॉसिबिलिटीज़ इसके काफ़ी थे, इसीलिए जो है जब तक 17 क्लियर नहीं होता तब तक 18 को तो वैसे नहीं होना चाहिए, उसका एग्ज़ाम जो है वो नहीं कराना चाहिए लोक सेवा आयोग को। लेकिन अभी 17 का रिज़ल्ट निकलने में काफ़ी समय है, तो कम से कम इनको 2 महीने का अतिरिक्त समय और देना ही चाहिए था दोस्तों। तो अभी भी आप ये मानकर ना चलिए, जब तक कि मुख्यमंत्री का आदेश आता नहीं है, और आदेश क्या, वो आंतरिक तरीके से ही लोक सेवा आयोग को अंदरूनी रूप में ही ये संकेत कर देंगे। उसके लिए कोई मीडिया में, किसी न्यूज़पेपर में ऐसा रिपोर्ट नहीं आएगा कि मुख्यमंत्री जो है वो डायरेक्शन दिए हैं या डायरेक्ट किए हैं या निर्देश जारी किए हैं लोक सेवा आयोग के सचिव या अध्यक्ष को, ऐसा नहीं होगा। वो अंदर से ही, आंतरिक रूप से ही हो जाता है। तो इसका जब तक लोक सेवा आयोग जो है वो ये नहीं करता, जब तक अपने नोटिस के थ्रू इसको जाहिर नहीं करता कि परीक्षा आगे बढ़ी है, तब तक आप यही मान के चलिए कि 17 से ही परीक्षा हो रही है। लेकिन हाँ, आप हिम्मत ना हारिए। कुछ बच्चे पता नहीं
कितना निगेटिव सोचते हैं, कितना डरे हुए रहते हैं कि वो ये मान के चल रहे हैं कि नहीं परीक्षा जो है हो रही है। तो ठीक है, परीक्षा हो रही है तो आप अपनी तैयारी करिए, क्योंकि मैं कोई ईश्वर तो हूँ नहीं कि मैं बता सकूँ कि 17 को क्या होने वाला है। फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि केवल इसका आधार यही है, मेरी लड़ाई का आधार यही है कि लोक सेवा आयोग जो है वो जो जो वो सोच लेता है उसको करता है, चाहे वो जायज हो नाजायज हो ये वो नहीं देखता। उसको ये देखना चाहिए बिल्कुल नाजायज हो रहा है, बच्चों को और समय मिलना चाहिए। उचित तो यही होता कि 2017 का वो जब रिज़ल्ट फाइनल कर दें तब 2018 का मेंस लें। अगर फिर भी अगर आयोग ऐसा नहीं कर पाता है तो उसको चाहिए कि कम से कम 2 महीने की का समय जो है और अतिरिक्त दे, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। इसी तरह का कुछ फैसला छत्तीसगढ़ आयोग ने भी लिया था, उसने भी अपने बच्चों को कुछ अतिरिक्त समय दिया था। इसी तरह से कई सारे आयोग और संघ लोक सेवा आयोग ने भी इस चीज़ को माना था, स्वीकार किया था कि बच्चों को अतिरिक्त समय मिलना चाहिए। तो आप लोग फिर भी तैयारी शुरू रखिए, जारी रखिए। और जिनकी ये वीडियो उन्हीं के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, जिनकी तैयारी हो चुकी है वो बिल्कुल इस वीडियो से दूर रहें। हालांकि ये मुझे मालूम है कि करीब 85% 90% जो परीक्षार्थी हैं, लगभग 20,000 जो मेंस देने वाले परीक्षार्थी हैं, उनमें से लगभग 90% बच्चों की तैयारी जो है पूर्ण नहीं हो पाई है। समय का अभाव स्पष्ट है, बिल्कुल दिख रहा है। 30 मार्च को रिज़ल्ट निकला है, सब जानते हैं, तो उसके आधार पे उनको और समय मिलना चाहिए था। इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, जारी रहेगी दोस्तों। लेकिन चूंकि इसी बीच चुनाव आ गया, अब शपथ समारोह 30 तारीख को है, तो सब लोग उसी में व्यस्त रहेंगे। तो मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और रीता बहुगुणा जोशी जो यहाँ की सांसद हैं, वही लोग इस काम को अपने अंजाम तक पहुँचाने में सक्षम हैं। सबके बस की सबके बस की ये बात नहीं है दोस्तों कि लोक सेवा आयोग की परीक्षा को टलवा दे। हालांकि हम सबके पास जाएंगे, चाहे वो विधायक हो चाहे वो मेयर हो, हम हर जगह अपनी बात रखेंगे ताकि ये बात काफ़ी प्रसारित हो जाए। हम मीडिया में भी जाएंगे, इसी तरह से हम अपने बात को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, और उसको फैला करके फिर हम अंततः जो है सीएम और डिप्टी सीएम और इनसे मुलाकात कर सकते हैं। यही तरीका है, यही चैनल है। पहले हम लोक सेवा आयोग से विनती करेंगे, अगर वो नहीं मानता है तो हम अपने विधायक के पास जाएंगे, अपने मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, अपने उप मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। इसी तरीके से, इसी माध्यम से हम जा सकते हैं दोस्तों, अप्रोच कर सकते हैं। तो बस यही है कि आप पढ़ते रहिए। लेकिन हाँ, कुछ शुभ संकेत मिले थे इसलिए हमने ये वीडियो बनाया। नमस्कार, धन्यवाद। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि बार बार ये बच्चे कह रहे हैं कि जो अटेम्प्ट है, जिनका ये अंतिम समय था दोस्तों 2018, उनके लिए अटेम्प्ट मिलना चाहिए। एक या दो अटेम्प्ट के लिए, दो अटेम्प्ट के लिए हम लोग बिल्कुल तैयारी में हैं और इसको आगे रखा जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।